प्रवासी मजदूरों की सुविधाओं के लिए पूरे बिहार में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, सभी जिला में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और सरकार ने जिला के अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी सुविधाओं का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में क्या हो रहा है, इसकी हकीकत क्या है, वह किसी से छिपी हुई भी नहीं है और यह मामला अब न्यायालय में पहुँचने वाला है। न्यायालय में जो मामला जाएगा इसके लिए हमारे साथ भागलपुर के विधि विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश तिवारी जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि सर आपको क्या लगा जो कि आप इस चीज को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के न्यायालय में जा रहे हैं। देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत सरकार ने गाइडलाइंस दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को इस मामले में, जितने प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो बिहार से बाहर काम करते थे, वो आज बिहार आए हैं, अपने घर की वापसी उनकी हुई है, लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते एक क्वारंटाइन सेंटर में रखने का कंसेप्ट है जो कि मेडिकली पूरी तरह से वो सही है और बिहार सरकार ने इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं की हैं वो व्यवस्थाएं उनकी काफ़ी अच्छी नहीं हैं। वो जस्ट इस मामले में एक औपचारिकता निभाया जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी लोगों को क्वारंटाइन पहले करेंगे, क्वारंटाइन करने के बाद फिर ब्लड का टेस्ट कराएंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव जैसा आएगा फिर फर्दर वो डिसीजन लेंगे। अभी सबसे बड़ा जो इश्यूज़ है वो इश्यूज़ है क्वारंटाइन सेंटर का। मैं बताता हूँ, मैं आपको कि सोशल वर्क में भी मेरा इंटरेस्ट है, मैं कल पीरपैंती साइड भी गया था, मैंने वहाँ देखा कि एक सुन के बहुत आश्चर्य लगा कि बाहर से ट्रक पर मजदूर आए और आपको ये पता है अच्छी तरह से है कि जहाँ भी बॉर्डर होगा वह सील होगा, बॉर्डर पे बिहार की पुलिस लगी रहेगी, स्वास्थ्यकर्मी रहेगी और थर्मल टेस्ट उनका होगा और तब वो इनको एंट्री मिलेगी और फिर इनको क्वारंटाइन कराएंगे। लेकिन ये सुन के महज आश्चर्य लगा कि कहाँ हमारी पुलिस व्यवस्था थी, कहाँ हमारे स्वास्थ्यकर्मी थे, कहाँ थर्मल को जांच करने वाले लोग थे, जो कि इतनी संख्या में, वो संख्या तकरीबन मैं आपको बताऊं कि 50 से 60 की संख्या में है और वो दीरा पे जाकर के सारे लोग रह रहे हैं, अपने घर पे रह रहे हैं। कुछ गांव वाले के एक्टिव रोल के वजह से कुछ उनको लोगों ने कहा तो लोग घर के बाहर रह रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग, समाजसेवी लोग टेंट में उनके रहने की व्यवस्था वगैरह करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख का विषय है कि BDO को, CO को प्रखंड स्तर पर पूरी तरह से सरकार ने, शासन ने जिम्मेदार बनाया है, उसके बावजूद भी जब लोग टेलीफोन कर रहे हैं पीरपैंती BDO को तो BDO साहब इसकी नोटिस ले रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो आपको क्या लगता है कि अधिकारी जो है तो वो आपदा के समय में अपना जो कर्तव्य होता है उनका वो कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं? बिल्कुल, अगर इस घटना को मैं देखता हूँ, अगर इस घटना के पूरी तरह से मूल्यांकन की जाए तो अवश्य लगता है कि जो स्थानीय स्तर पर जो पदाधिकारी हैं वो उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जिसके वजह से भयावह स्थिति हो सकती है। हम लोग भी इस अभी पूरी तरह से डरे समय हुए हैं, इतनी इतनी संख्या में बाहर से मजदूर आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि रोज भागलपुर में कुछ ना कुछ कोरोना पॉजिटिव के केसेस आ रहे हैं। हम आपको रोकेंगे, जो सभी जिला के जो जिलाधिकारी हैं और SSP हैं या SP हैं उनको सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है क्वारंटाइन सेंटर की निगरानी करने के लिए और कहा है कि अगर क्वारंटाइन सेंटर में अगर कोई भी असुविधा की अगर समाचार मिलती है तो उस पर सीधे कार्रवाई होगी, क्या कहें? देखिए, मैं आपको बता दूँ कि इसमें कहीं विवाद नहीं है कि क्वारंटाइन सेंटर इनका फेयर रूप से नहीं चल पा रहा है और इसलिए आपको मैं याद दिलाता हूं कि अभी पिछले सप्ताह पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की गई है जिसमें बिहार के मुख्य सचिव को तलब किया गया और मैं आपको और लेटेस्ट जानकारी दे दूं कि उसकी सुनवाई 23 तारीख को होनी है। और उसी तरह से अगर बिहार के भागलपुर जिले की मैं बात करूँ कि मुख्यालय स्तर पर तो इनकी सुविधाएँ ठीक हैं मोर और लेस, लेकिन अगर इसको प्रखंड और पंचायत स्तर पर जाते हैं तो ये उसको ठीक से प्रॉपरली मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये सच्चाई है। एक व्यक्ति पर सर कितना खर्च मिलता है सरकार की ओर से? देखिए, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कि 2400 रुपये का इनका वेलकम किट है और मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैं कि 180 रुपये इनका भोजन का रेट है, डिनर का और लंच का, और हमको लगता है ये काफ़ी नहीं है और उस ढंग से ये लोग खाना नहीं खिला पा रहे हैं। अंतिम सवाल हम आपसे करेंगे कि इस पूरे मामले पर, पूरी अव्यवस्था पर आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ये पूरी व्यवस्था है, मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते और सरकार के इतने इतने रुपए खर्च हो रहे हैं वो कहीं से न कहीं इनडायरेक्ट रूप से एक आम जनता का पैसा है, इसके न्याय के लिए मैं अवश्य पटना उच्च न्यायालय में PIL के माध्यम से पूरी रिपोर्ट करूंगा कि ये न्याय मिले, क्वारंटाइन सेंटर जितने सारे खर्च हो रहे हैं उसका पूरा का पूरा फायदा प्रवासी मजदूरों को मिले।
तो ये थे भागलपुर के विधि विशेषज्ञ सह तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर राजेश तिवारी, जिन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया है उसमें प्रवासी मजदूरों को सुविधाएं नहीं मिल रही, इसको लेकर के वो न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में मामला दर्ज करेंगे। अब देखना यह होगा कि इन मामला दर्ज होने के बाद क्या क्वारंटाइन सेंटर की में जो सुविधा है वो उन सुविधाओं में कितना सुधार आता है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर।